भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले 3 पायदान जरूर सुधरी। पिछले साल 81वें क्रम पर था तो इस बार 78वें क्रम पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा सर्वे के मुताबिक पिछले साल 56% नागरिकों ने कहा था कि उन्होंने रिश्वत दी है, वहीं इस साल ऐसे लोगों की संख्या घटकर 51% हो गई, यानी 5% की इसमें कमी आई भ्रष्टाचार के मामले में। पासपोर्ट और रेलवे टिकट जैसी सुविधाओं के केंद्रीकृत और कंप्यूटराइज करने से भी भ्रष्टाचार में कमी आई है। हालांकि कहा गया है कि सरकारी दफ्तर रिश्वतखोरी का बड़ा अड्डा बने हुए हैं, इनमें भी सबसे ज्यादा रिश्वतखोरी राज्य सरकारों के ऑफिसों में होती है। बताया जाता है कि जो सर्वे किया गया उसमें 1.90 लाख लोगों को शामिल किया गया। इसमें 64% पुरुष, 36% महिलाएं शामिल हैं। सर्वे में 48% लोगों ने माना कि राज्य सरकार या स्थानीय स्तर पर सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। लोगों ने 2017 में हुई नोटबंदी की वजह से भ्रष्टाचार में गिरावट का कारण माना। तब कुछ समय तक लोगों के पास देने के लिए पैसा ही नहीं। ऐसे लोग जो है मानते कि रिश्वत के बिना काम नहीं हो सकता, उनकी संख्या पिछले साल के मुकाबले 36% से बढ़कर 38% हो गई है। जो रिश्वत को महज एक सुविधा शुल्क समझते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। 2018 में 22% के मुकाबले ऐसे मानने वाले लोगों की संख्या 26% हो गई। जहां तक बात रिश्वत लेने वाले दफ्तरों की है तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और जमीन से जुड़े मामलों में सबसे अधिक रिश्वत दी गई। 26% लोगों ने इस विभाग में रिश्वत दी और पुलिस में 19% लोगों ने रिश्वत दी। रिश्वत देने के तरीकों पर भी सर्वे सामने आया है। इसमें सीधे कर्मचारी को जो रिश्वत दी गई वो 35% है, एजेंट को दिए गए 30%, गिफ्ट या दूसरे तरीके से 6% और 29% को ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी। रिश्वत क्यों दी गई इसका भी एक कारण सामने आया। 38% लोग कहते हैं काम कराने का यही तरीका है। 26% कहते हैं बिना रिश्वत काम में देरी होती है और 37% को रिश्वत नहीं देना पड़ी। कुल मिलाकर ये जो चुकाने वाला सर्वे सामने आया इससे स्पष्ट होता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार का मामला भारत में बढ़ता ही चला जा रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।